दिल्ली के जामिया यूनिवर्सिटी में तीन प्रोफेसरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, क्योंकि वो यहाँ वहाँ पे एक दलित कर्मचारी को कन्वर्ट करने के लिए प्रेशर दे रहे थे। वो एक दलित कर्मचारी को कह रहे थे कन्वर्ट हो जाओ, तुम्हारे साथ भेदभाव बंद हो जाएगा, नहीं कन्वर्ट होगे तुम्हारा प्रमोशन रुक जाएगा। जामिया यूनिवर्सिटी एक माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी है, वैसे तो जामिया पहले सबके लिए थी, लेकिन 2004 में कानून बना के कांग्रेस ने उसको माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी घोषित कर दिया। दूसरा, ये कन्वर्जन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर रहे हैं, मुल्ला मौलवी नहीं कर रहे हैं, बल्कि यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कर रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं सोच कैसी है। भारत की पूरी डेमोग्राफी बदलने का मूल कारण धर्मांतरण है, और यह धर्मांतरण आज से नहीं हो रहा है। 15वीं शताब्दी में भारत में एक भी मुस्लिम नहीं था, सबके सब हिंदू थे। 15वीं शताब्दी में आज का जो अफगानिस्तान जो पहले गंधार कहलाता था, वहां भी 100% हिंदू थे। आज का पाकिस्तान जो पहले कैकेय कहलाता था, जहां से माता कैकेयी आई थी, वहां भी 100% हिंदू थे। आज का बांग्लादेश जो पहले ईस्ट बंगाल कहलाता था, वहां भी 100% हिंदू थे 15वीं शताब्दी। यानी 500 साल पहले पूरे भारत में 100% हिंदू हुआ करते थे, लेकिन आज गंधार अफगानिस्तान हो गया, कैकेय पाकिस्तान हो गया, ईस्ट बंगाल बांग्लादेश हो गया, और बाकी तो छोड़िए, भारत के 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। भारत के 200 जिलों की 800 जिलों में से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। भारत के 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। उसका मूल कारण धर्मांतरण, घुसपैठ, जनसंख्या विस्फोट। और धर्मांतरण ऐसा नहीं केवल मुल्ला मौलवी कराते हैं, केवल मिशनरी कराते हैं, कॉलेज के प्रोफेसर भी करा रहे हैं, बड़े बड़े कॉरपोरेट में काम करने वाले इंजीनियर भी करा रहे हैं। यूपी में तो एक बहुत सीनियर आईएएस ऑफिसर भी पकड़ा गया। तो जो जहां है वहीं कन्वर्ट करा रहा है। और क्यों? क्योंकि पहली बात तो शिक्षा हमने ठीक से नहीं किया, जो मुगलिया शिक्षा थी, मदरसे चल रहे थे, उसको हमने बंद नहीं किया। दूसरा, हमने शिक्षा का भारतीयकरण नहीं किया। समाधान, शिक्षा का भारतीयकरण। दूसरा, कानून का खौफ। मुगल यहां सत्ता के लिए नहीं आए थे, मुगल यहां पे केवल और केवल इस्लाम का प्रचार करने आए थे। अंग्रेज यहां सत्ता के लिए नहीं आए थे, अंग्रेज केवल और केवल क्रिश्चियनिटी का प्रचार करने आए थे। ये धर्मांतरण हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जो खतरा होता है, उससे निपटने के लिए हमारे पास कानून है, एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, लेकिन पुलिस लगा नहीं रही है, क्योंकि हमने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में कन्वर्जन को शामिल नहीं किया। हमने नेशनल सिक्योरिटी के लिए क्या क्या खतरे हैं उसको डिफाइन नहीं किया। धर्मांतरण देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है। जिन 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं, 1500 तहसीलों में खत्म हो चुके हैं, 9 राज्यों में 200 जिलों में खत्म हो चुके हैं, वहां एकता अखंडता खत्म हो चुकी है, भाईचारा खत्म हो चुका है, संविधान काम नहीं करता, लोकतंत्र वहां खत्म हो चुका है। इसके बावजूद हमने यूएपीए नहीं लगाया आज तक किसी भी धर्मांतरण कराने वाले मिशनरी और जिहादी पे। क्यों? क्योंकि हमने यूएपीए में जो देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है, वो हम कहीं डिफाइन ही नहीं किया कि धर्मांतरण देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है। धर्मांतरण एक वेजिंग वॉर है। अल्टीमेटली भारत की डेमोग्राफी बदलने के लिए तो यहां पे मुगल आए थे, भारत की डेमोग्राफी बदलने के लिए यहां पे अंग्रेज आए। ये इनडायरेक्ट वॉर है, लेकिन वेजिंग वॉर की धारा भी है। पहले इंडियन पिनल कोड में भी थी, आज की डेट में जो भारतीय न्याय संहिता आई उसमें भी वेजिंग वॉर है। लेकिन वेजिंग वॉर क्या होता है, वेजिंग वॉर किसको माना जाएगा, धर्मांतरण वेजिंग वॉर है कि नहीं है, ये हमने उसमें डिफाइन नहीं किया। इसलिए पूरे देश में कोई भी पुलिस वेजिंग वॉर की धारा नहीं लगा रही कन्वर्जन कराने वाले मिशनरी और जिहादियों को। धर्मांतरण एक ऑर्गेनाइज क्राइम है, कई लोग मिलकर करते हैं, संगठित अपराध है। कोई उनको लिटरेचर देता है, कोई उनको डायरेक्शन देता है, कोई उनको पैसा देता है, सब कुछ अलग अलग करते हैं। इसके बाद भी हम गैंगस्टर एक्ट नहीं लगा रहे, गुजकोका नहीं लगा रहे, मकोका नहीं लगा रहे। सबसे बड़ा देशद्रोह है धर्मांतरण। भारत के लोगों को, हिंदुओं को, जो वसुधैव कुटुंबकम को मानते हैं, नारी तू नारायणी को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, समता समानता समरसता को मानते हैं, उनको ऐसे विदेशी रिलीजन में कन्वर्ट कर देना जो सबको एक समान मानता ही नहीं, जो महिला पुरुष को समान नहीं मानता, जो सभी इंसान को समान नहीं मानता, जहां पे बोलने की आजादी नहीं है, सोचने की आजादी नहीं है, तर्क करने की आजादी नहीं है, न इक्वलिटी, न जस्टिस, न लिबर्टी, न फ्रेटर्निटी, न यूनिटी, न नेशनल इंटीग्रेशन, जहां पे राष्ट्र प्रथम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ऐसे रिलीजन में कन्वर्ट करना सबसे बड़ा देशद्रोह है। और देशद्रोह की धारा है, नई वाली भारतीय न्याय संहिता में भी है। लेकिन देशद्रोह क्या होता है, हमने उसमें डिफाइन नहीं किया। इसलिए धर्मांतरण कराने वाले मिशनरी और जिहादियों के ऊपर देशद्रोह की धारा नहीं लग रही। इसीलिए धर्मांतरण चल रहा है। धर्मांतरण तब रुकेगा ना जब कानून का खौफ होगा। धर्मांतरण तब रुकेगा जब धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों, जिहादियों और उनके मददगारों की 100% संपत्ति जब्त होगी,
उनकी सिटीजनशिप खत्म होगी, नागरिकता खत्म होगी, आजीवन कारावास फांसी दिया जाएगा, तब धर्मांतरण रुकेगा। तूतू मैं करने से धर्मांतरण नहीं रुकेगा, नूरा कुश्ती करने से धर्मांतरण नहीं रुकेगा, बतौलेबाजी से धर्मांतरण नहीं रुकेगा। और एक बात और जो सबसे इंपॉर्टेंट है मैं पूछना चाहता हूं, जब कोई हिंदू अपनी जाति नहीं बदल सकता, एक दलित ब्राह्मण नहीं बन सकता, एक ब्राह्मण दलित नहीं बन सकता, एक क्षत्रिय वैश्य नहीं बन सकता, एक वैश्य क्षत्रिय नहीं बन सकता, एक जाट आदिवासी नहीं बन सकता, एक आदिवासी जाट नहीं बन सकता, जब हिंदुओं में अपनी जाति बदलने का प्रावधान नहीं है और संविधान भी जाति नहीं बदलने देता है, तो फिर वही हिंदू अपना धर्म कैसे बदल लेता है, कैसे बदल सकता है? मैं ब्राह्मण हूं, मैं कोई और जाति नहीं अपना सकता, संविधान इजाजत नहीं देता, कानून इजाजत नहीं देता, तो फिर मैं अपना हिंदू धर्म कैसे छोड़ सकता हूं? आप मान लीजिए वैश्य हैं, आप जैन हैं, माहेश्वरी हैं, जो भी हैं, जब अपनी आप जाति नहीं बदल सकते, फिर आप अपना धर्म कैसे बदल सकते? आप यादव हैं, पटेल हैं, पासवान हैं, सैनी हैं, जो भी हैं, जब आप अपनी जाति नहीं बदल सकते, फिर आप अपना धर्म कैसे बदल सकते हैं? इस पर बहुत गंभीरता के साथ चर्चा होने की जरूरत है। तो जैसे जाति बदलना अपराध है, फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाना अपराध है, वैसे ही धर्म बदलने, धर्मांतरण भी गंभीर अपराध घोषित होना चाहिए। धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों और जिहादियों पर एनएसए लगना चाहिए, यूएपीए लगना चाहिए, देशद्रोह की धारा लगना चाहिए, वेजिंग वॉर की धारा लगना चाहिए, गैंगस्टर एक्ट लगना चाहिए, 100% संपत्ति जब्त होना चाहिए, इनकी नागरिकता खत्म होनी चाहिए, इनको आजीवन कारावास फांसी देना चाहिए। यही तरीका है धर्मांतरण रोकने का और यही तरीका है भारत को बचाने का। नहीं अगर हमने बचाया तो एक बात याद रखिएगा, दुर्योधन का ननिहाल गंधार अब आज की डेट में अफगानिस्तान कहलाता है, वहां आतंकवादियों का संगठन तालिबान राज कर रहा है। राजा भरत का ननिहाल कैके, जहां से माता कैकेयी आई थी, अब आज उसको पाकिस्तान कहते हैं, आतंकवादियों का मुख्यालय है वहां पाकिस्तान। ईस्ट बंगाल, जहां पहले दुर्गा पूजा होती थी, जैसे वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा होती थी, ऐसे ईस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा होती थी, दुर्गा पूजा करने वाले वहां से खत्म होते जा रहे हैं, दुर्गा पूजा कराने वाले भी खत्म होते जा रहे हैं, सारे दुर्गा मंदिर भी खत्म होते जा रहे हैं, सारी दुर्गावाड़ी भी खत्म होती जा रही है, भारत के 9 राज्यों से भी खत्म हो चुके हैं, 200 जिलों से भी खत्म हो चुके हैं, 1500 तहसीलों से भी खत्म हो चुके हैं, बॉर्डर की 100% 300 तहसीलें हैं, 300 की 300 तहसीलों से खत्म हो चुके हैं। अगर अभी भी धर्मांतरण नहीं रोका, घुसपैठ नहीं रोकी, जनसंख्या विस्फोट नहीं रोका, तो 25 साल के बाद इसके भयानक परिणाम दिखाई पड़ेंगे और वही होगा 2047 में जो 1947 में हुआ था।